ट्रक को जाने दीजिए, उसके बाद निकालेंगे, नहीं तो शहीद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैं ड्रोन तो है व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम दिलवाने, बट आज ज़्यादा मोटो ब्लॉग नहीं करेंगे क्योंकि एक ही रूट को कितने बार दिखा है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें दिखाने को होगा इधर उधर का, तो वो चीज़ दिखाएंगे, वरना ऐसे ही चलेंगे रास्ते पर तो NH तो दिखाएंगे क्योंकि NH पे कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हे गाइस, और कैसे हैं? तो अभी हम लोग अपने घर से निकल गए। ओह नो, इतना क्लोज कॉल। और अभी हमको इधर से उस पार होना है, उसके बाद फिर एकदम कोई नो डिस्टरबेंस है, विदाउट डिस्टरबेंस जाना है उसके बाद। बस ये जहाँ यही थोड़ा निकालने में दिक्कत होता है, बस इस बाइक के बाद निकाल लेंगे। ओह नो, कार भी आ रही है। पहले इस कार और दोनों ट्रक को जाने दीजिए, उसके बाद निकालेंगे, नहीं तो शहीद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। बस वाले के बाद भी ऐसे कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन बस को जाने देते हैं पहले। तो निकल गए फाइनली एकदम सटाक से, पीछे से दो ट्रक भी आ रहा है। तो आज का ब्लॉग बने बनिया, यही हम भगवान से दुआ करते हैं और हम पहुँचे सही सलामत अपने घर। आप लोग देखिए रहिए सरासर हमारा वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्या कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और पुलिस वाले चाचा अभी घूमते रहते हैं रोड पर, भाई ट्रक जो आ रहा है ना पीछे से चाह रहा है कि एक को एक ओवरटेक कर दे। यही है कुछ सीन, अभी हम लोग सराय पुल आ गया है सामने हम लोगों के, तो सराय पुल को पार करते हुए एग्जाम सेंटर की ओर बढ़ेंगे। और क्या ही बताएं आपको, यही सब कुछ सीन है आजकल मेरा वीडियो। आप देख रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और क्या ही बताएं, तो हमारा एक के हो गया है जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं, तो दो तीन के भी जल्दी सी बार पहुँचवाइए दीजिए, बहुत ज़रूरी है दो तीन के पहुँचना, समझे? यही सब बात है। ये पुलवा बड़ी साल से बन रहा था लेकिन आखिरकार बन गया, जब हम लड़का थे तभी से ही पुल बन रहा था, ये एक साल पहले बन के कम्प्लीट हुआ है। लगभग लगभग ये पुल को बनने में तीन चार साल लगा था, चार साल, जो कि एक साल में बन जाना चाहिए था। चाचा स्कूटी पर चढ़ के बतियाई जा रहे, ये सब गलत बात है, मोबाइल से बतियाते हुए नहीं जाइए, नहीं तो राम को प्यारे हो जाइएगा, समझे? यही लेकिन धूप में गाड़ी चलाने में मज़ा आता है गाइस। आज तो मैं हाफ टी शर्ट आया हूँ, शर्ट उट नहीं पहना हूँ, क्योंकि शर्ट पहनने के बाद बड़ी गर्मी लगता है। पीछे से सर आ रहे हैं पुलिस वाले। ओ नो, नहीं एम्बुलेंस है, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। मुस्कान रेस्टोरेंट, यहीं पे दो दिन पहले बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया था, डेंजर वाला, जिसमें स्विफ्ट की तो पूरी हालत ख़राब हो गई थी, क्या ही बताएं, स्विफ्ट पूरा थपचा थपचा हो गया था। अब उसके अंदर का आदमी क्या हुआ उसका, उसको तो नहीं पता। देखिए थाना के बाहर कितना गाड़ी लगल है, मतलब लगातार में गाड़ी ये गाड़ी लगल है, लगल लगल जुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली, लालू यादव के डायलॉग है, आइए देखे हैं वीडियो, समझे का? ये सब है सामने टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पार कर सीधा चलना है, इधर कोयला मंडी है, कोयला वयला खरीदना है तो आके कोयलावा खरीद लीजिएगा। भाई हमारा पीछे कोई गाड़ी नहीं, एकदम मस्त रफ्तार में चल रहे हैं अपना 265 किलोमीटर, तेलो एक के खुटी तेल है। आई इनका देख रहे हैं पॉल्यूशन होगा ये गाड़ी का, ट्रिपल लोडिंग है विदाउट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नाम का तो कोई चीज़ें नहीं होगा, साला धुआं फेंक रहा दिखाई देने लगे। गाइस खांसी जुकाम भी हो गया है, क्या समझे, सर्दी जुकाम। ये जो जगह है यहाँ पर बड़ी भयानक मंडी लगता है सुबह के टाइम में, सुबह सुबह अगर आइएगा आप 6-7 बजे, पूरा सब्जी का होलसेल रेट वाला मंडी लगता है। गाड़ी को जाने दीजिए, उसके बाद ऑटो को ओवरटेक करेंगे। अटीगा हमारे पीछे जो कि, तो गाइस अभी तक वीडियो देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। गन्ना बेच रहा है हाईवे पे, यहाँ से टोल प्लाजा 500 मीटर है, ऐसे ही चलते रहना है सीधा एकदम लहरिया काटते हुए। सामने से वैगनार आ रहा है रॉन्ग साइड से, तो वैगनार को साइड से निकालना है, ये गलत है। राइट, बगल में छपरी लोग भी थे,
सामने देखिए क्या स्वैग है, अपना स्वैग, अपना है स्वैग, स्वैग एकदम पिकअप के ऊपर। भाई क्या ही गेम भी खेल रहा है एकदम आराम से, एगो पीछे सुतलो है और आराम से गेम खेल रहा है। मस्त जिंदगी हो तो ऐसी बनना जिंदगी, समझे ये बात है। मोटरसाइकिल तो फ्री है टोल प्लाजा पर, आराम से लहरिया मार्ग निकाल दीजिए क्योंकि जलवा है हमारा, समझे क्या। सामने को ऑटो जा रहा है जिसमें 3 चक्का है, इधर पुलिस वाले सर हैं खड़े, आगे लगती है हमको कि चेकिंग भी चलत है, चेकिंग चल रही है अभी भी, वहाँ पे हमेशा चेकिंग चलते रहती है, तो शुक्र है कि हमें ना रोके वरना हम तो चले जाएंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा, हम मौत जब तुझी को आ। देख रहे हैं ये अंकल जी को, ये क्या था, शहीद हो जाएंगे तो फिर कोई नहीं बचाएगा। तो है गाइस, अभी वहाँ से आने के बाद मतलब हाईवे से कैमरा ऑफ किया तो उसके बाद तो वीडियो बनाया ही नहीं क्योंकि एक ही रूट को बार बार क्या दिखाऊं। तो अभी मैं अपने घर आ गया हूँ और यहीं पे बैठा हुआ हूँ। सनीद भी आ गया अपना एग्जाम वगैरह दे के स्कूल से, टूट जाएगा ना तो तुमको तोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे अभी गेम वेम खेल रहे हैं, उसके बाद शाम वाम में कुछ दिखाने को होता है तो दिखाते हैं, क्या ही बताएं। और ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज अब मैंने अपना बाल वाल भी कटवाया है तो कुछ क्या बोलना चाहेगा, कुछ सर कुछ बोलिएगा। अरे हटाइए ना, नहीं नहीं बोलेगा, बता हो गया आज। हाँ बोला है मुझे कुछ, क्या बोले? मैं ड्रोन खरीदा, मैं मेरा कल ड्रोन आने वाला है, उसकी अनबॉक्सिंग उधर भी आके चैनल पे हो। तो हे गाइस, आज फिर से निकल चुके कार लेके, बहुत दिनों बाद, उतने दिनों से फीवर वगैरह हो गया था इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। अब जो ये मोटो ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये 15 तारीख का है और इसमें जो ऐड हो रहा है ये वीडियो, ये आज हो रहा है, मतलब कि 4 दिन बाद ऐड हो रहा है। 3-4 दिन से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था, वो सब जो वीडियो था वो पहले से ही शूट किया हुआ था, शेड्यूल किया हुआ था, इसीलिए आपने देखा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद से इधर देखिए, अभी हम लोग आए हैं घूमने, ये रास्ता देख सकते हैं हमारे इधर का। चलिए आज आपको रास्ता दिखाते हैं गाँव का, हम अपने यही कुछ रास्ता है। एक चचा कैमरा इधर 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 आगे से ऐसे खींचिए कैमरा, अब देख सकते हो यही कुछ रास्ता है, क्या ही बताएं आपको। रात में इसीलिए निकलते हैं कि रास्ता पर कोई नहीं रहता, नहीं तो दिन में तो 2-4 को के शहीदे मार देंगे, यही सब बात है। धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो कैमरा इधर नहीं दिखाइए यार, इधर गाना वाना बज रहा है तो क्या ही आप करते रहते हैं। तो यही सब गाइस कुछ सीन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बार बार आपको हम ये बात बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो हे गाइस, दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, इतना काफ़ी था आज के लिए, जितना हो सका वो मैं दिखाया। ये सब जो वीडियो था ये सब बहुत पुराना शूट किया हुआ था क्योंकि बीच में मुझे 2-3 दिन फीवर हो गया था, तो उसके बाद मैं वीडियो को ना एडिट कर पाया, ना कुछ कर पाया, ना एंडिंग शूट कर पाया था उस दिन रात में। उसके बाद से ही वीडियो पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो आज ठीक हुआ है तो सब कुछ को लगातार अपडेट कर करके शेड्यूल कर रहा हूँ एडिट करके। तो यही है कुछ सीन, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से, तब तक के लिए टाटा।